फैटी लीवर क्या है और योग इसमें किस प्रकार सहायक है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, फैटी लीवर आज एक बिल्कुल आम समस्या है। वैसे तो फैटी लीवर में कोई खास परेशानी महसूस नहीं होती है जब तक कि रोग बढ़ नहीं जाए। फैटी लीवर दो तरह का होता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। मैं अभी आज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बात कर रही हूँ। इससे 30% लोग परेशान हैं और 5% बच्चे भी आज फैटी लीवर की समस्या से हैं। इसका कारण जो है, पहले कारण जान लें, जो कि कारण जानेंगे तो हम निवारण कर सकते हैं। सबसे पहला है खराब जीवन शैली। आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है अनियंत्रित हो गई है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। मोटापा, उसी की वजह से मोटापा आ रहा है। शराब इसका एक कारण है। और मैंने पहले बोला था कि अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक में शराब तो है ही, लेकिन जो लोग कभी कभी भी पीते हैं तो वो भी एक कारण है। और वायरस का संक्रमण, किसी एक खास वायरस के संक्रमण से भी लीवर मतलब बीमार हो जाता है, जो फैटी लीवर का कारण बनता है। फिर रूमेटाइड आर्थराइटिस भी इसका एक कारण है। अनहेल्दी फूड, डायबिटीज़, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो कि, और व्यायाम ना करना, जो हम आज बिल्कुल आलसी जीवन जी रहे हैं वो भी इसका एक कारण है। तो ये तो मैंने इसके कारण बताए, और अब लक्षण आपको मालूम पड़ जाए। जब कभी आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आप ज़रूर अपने फैटी लीवर की जांच कराएं। इसमें पेट के ऊपर दाहिनी साइड, चूँकि लीवर हमारे राइट साइड है, पसलियों के ठीक नीचे यहीं पर, तो वहाँ पर दर्द का अनुभव होगा। भूख कम लगेगी, वजन तेजी से कम होता है फैटी लीवर में, और आँखों का रंग पीला हो जाता है। हर समय थकान, कमजोरी और पैरों में सूजन भी आ जाती है। तो ये तो इसके लक्षण है। अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अपनी जांच कराएं। इसकी जांच में अल्ट्रासाउंड से भी पता लगता है और ये सीटी स्कैन एमआरआई में भी पता लगता है। अब वो किस स्थिति में है वो तो डॉक्टर ही आपको देख के बताएगा, लेकिन हाँ, योग के कुछ अभ्यास ऐसे हैं कि अगर आपका नॉन फैटी लीवर नॉन अल्कोहलिक है तो आप योग की क्रियाओं से भी इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ आपको आहार पर ध्यान देना होगा, जैसे तला भुना मसालेदार भोजन न करें, वजन को कंट्रोल करने के लिए डाइट और व्यायाम का अभ्यास प्रतिदिन करें, डाइट बैलेंस लें यानी स्वस्थ आहार, और आहार में लहसुन, नींबू, आंवला, हल्दी, ग्रीन टी, एलोवेरा, चुकंदर, इनका प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये फैटी लीवर की समस्या से निजात दिलाते हैं। लेकिन हाँ, योग की मैंने जैसे बोला, योग इसमें सहायक है। योग की क्रियाओं को करके आप शरीर के अंदर लीवर को स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का हृदय, ब्रेन यानी मस्तिष्क, फेफड़े, किडनी आदि की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लीवर डाइजेशन का बहुत सारे काम करता है, एंजाइम बनाता है, चीज़ों को स्टोर करता है, रक्त को शुद्ध करने का प्रयास करता है, और अगर एक्सीडेंट में बहुत सारा ब्लड बह जाए तो 30% ब्लड भी उस समय शरीर को देता है, यानी कितना काम करता है। और इसका बीमार पड़ना यानी शरीर के डॉक्टर का बीमार पड़ना है। तो मैं आपको बताऊँ आप इसको किस तरह हेल्दी कर सकते हैं। तो एक में सबसे पहले आपको क्रिया बता रही हूँ, जिस क्रिया से करके आप अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हैं। हाँ, योग तो आपको करना ही है। इसमें अग्निसार, अग्निसार में क्या करते हैं, देखिए पहले तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा घुटने को बैंड करके और थोड़ा आगे झुक करके, ऐसे झुक के जब खड़े होंगे सबसे पहले सांस को बाहर निकाल दें। सांस को बाहर निकालने के बाद पेट को अंदर बाहर, जब ये पेट को हम अंदर बाहर बिना सांस के करते हैं तो ये लीवर के ऊपर एक बार बार दबाव देता है। पेट के साथ साथ लीवर को भी ये प्रेशर देता है, जिससे लीवर हेल्दी होता है। मैं आपको करके बताती हूँ।
ये एक साधारण सी क्रिया है, लेकिन इसका सुबह खाली पेटी अभ्यास होता है और इस अभ्यास को करने के लिए एक बार पर्याप्त नहीं है। एक बार में आप मान लीजिए, जैसे मैं तो 30-35 तक एक बार में अंदर बाहर कर लेती हूँ सांस बाहर निकालने के बाद, लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद सभी कर सकते हैं। और नहीं भी कर पाए तो बिल्कुल ना घबराएं, 5 से 6 बार यानी एक बार में जितनी बार आपने किया रेस्ट ले लें, फिर दोबारा शुरू करें, फिर रेस्ट ले लें, फिर तीसरी बार शुरू करें, ऐसा 5 से 6 बार इसका अभ्यास करें तो ये आपके फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सूर्य नमस्कार आता है तो जरूर करें, वो पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, फैटी लीवर हो या कोई और समस्या हो सभी के लिए अच्छा है। अब मैं आपको कुछ बैठ करके किए जाने वाले और लेट के किए जाने वाले कुछ अभ्यास बता रही हूँ कि जो आपके लिए अच्छा है। तो मैं एक तो आपको अर्धमत्स्यासन बता रही हूँ जो कि फैटी लीवर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसका दबाव फैट लीवर के ऊपर भी आता है। आंखें बंद कर लें और लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। आप देख रहे हैं पेट के खास हिस्से पर, पैनक्रियास के साथ साथ लीवर पर भी इसका प्रेशर है। अब लंबी गहरी जब सांस लेंगे और ध्यान वहां ले जाएंगे तो धीरे धीरे लीवर के ऊपर भी इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। और इसी प्रकार दूसरे पांव से भी करेंगे इसको। आंखें बंद कर लें, ध्यान को वहीं ले जाना है जहां आप एक दबाव महसूस कर रहे हैं, और लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। क्योंकि जब एक साइड से करते हैं तो वो अभ्यास हमको दूसरे साइड से भी करना पड़ता है, इससे अब आप लीवर पे खिंचाव पा रहे हैं। पहली बार आपने दबाव पाया था, इस बार खिंचाव पा रहे हैं, तो ये भी लीवर के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं बोलूंगी कि पेट के बल सीधे लेट जाए। सबसे पहला करेंगे भुजंगासन, सांस भरते हुए उठे और यहाँ पर आप लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। इस दौरान आप महसूस कर रहे हैं लीवर के ऊपर बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, और 1 से 2 मिनट यहाँ रुकने के बाद श्वास प्रश्वास लेते रहे और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। ये था भुजंगासन, कोबरा पोज। अभी मैं बोलूंगी शलभासन। शलभासन के लिए मुट्ठी बनाएं, जंघाओं के जोड़ पर ले जाएं और धीरे से पैरों को ऊपर उठा दें। ये अब लीवर पर दबाव भी दे रहा है, खिंचाव भी दे रहा है। इस प्रक्रिया में आप 1 मिनट तक रुके, श्वास प्रश्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, और उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए पैरों को नीचे ले आए। और तीसरा है धनुरासन। लीवर के ऊपर बहुत अच्छा दबाव और खिंचाव दोनों आ रहा है। यहाँ पर आप फिर से लंबी गहरी श्वास लें, छोड़े, श्वास प्रश्वास के साथ रुके, लगातार जितनी देर आप रुक सकते हैं आसानी से, धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए, रिलैक्स हो जाए, क्योंकि शरीर को रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए। आसनों में ये जरूरी है रिलैक्सेशन आप देते रहे। सीधे होके एक बहुत सरल अभ्यास बता रही हूं, अगर कमर में दर्द है तो आप ऐसे ही उठ जाए बस, और नहीं तो ऐसे भी उठ सकते हैं कमर में दर्द है तो। ये कमर में दर्द वालों के लिए एक अच्छा अभ्यास है और लीवर के ऊपर दबाव पड़ रहा है, वरना बोट पोस्चर बहुत अच्छा है। अब ये कितने लोग कर सकते हैं मुझे नहीं मालूम। इसमें दोनों तरफ से 30 डिग्री में उठ जाता है और इस पोज में 1 मिनट करने के बाद रिलैक्स हो जाए। इस अभ्यास को कम से कम 2 से 3 बार करना चाहिए, ये इतना प्रभावशाली है। और इसके बाद एक अभ्यास है हलासन, पर हलासन सभी नहीं कर सकते, जैसे भुजंगासन, धनुरासन, शलभासन, ये 3 आसन हार्निया के पेशेंट नहीं कर सकते हैं। और सीधे लेट की जो आसन बता रही हूँ इसमें बोट पोस्चर जो अभी बनाया था वो कमर दर्द वाले नहीं कर सकते हैं, सरल वाला तो कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन वो कठिन वाला नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह हलासन भी वो मरीज नहीं कर सकते जिनको कमर दर्द
सर्वाइकल ये समस्याओं तो नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। ये देखिए अभी हाँ लंबी गहरी श्वास ले छोड़े, लीवर के ऊपर आपके थाइस का दबाव आ रहा है, इसमें भी आप 2 मिनट तो रुके, पूरे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग ये नहीं कर सकते हैं उनके लिए अभी एक आसन मैं कर रही हूँ, मत्स्यासन। मत्स्यासन में पद्मासन अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो न लगाए, मत्स्यासन होता ऐसे ही है, लेकिन नहीं कर सकते तो ऐसे तो आप कर ही सकते हैं। इस पोज में इस तरह रुके 1 मिनट तक, आप देख रहे हैं कि यहाँ खिंचाव आ रहा है बहुत ज्यादा, लीवर हमारा इधर ही है और इस खिंचाव से लीवर धीरे धीरे यहाँ पर रक्त का संचार बढ़ेगा और वह हेल्दी होगा। इसके बाद ये भी अभ्यास बहुत अच्छा है, ब्रीद आउट ब्रीद इन, और ये सभी कर सकते हैं, किसी को मना नहीं है। 3-4 बार पहले इसी राइट लेग को ऊपर रखते हुए और 3-4 बार लेफ्ट लेग को ऊपर रखते हुए करेंगे। और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। ये तो बहुत सरल से अभ्यास मैंने कुछ तो बता दिए कि सभी लोग कुछ आसन नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी कुछ अभ्यास होने चाहिए जो वो कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार जैसे मैंने बोला कि अधिकतर लोग कर सकते हैं और करना चाहिए। अब आपको इसके अंदर एक प्राणायाम बहुत प्रभावशाली है, वो है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम फैटी लीवर के लिए रामबाण है। वैसे तो भस्त्रिका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भस्त्रिका का भी प्रभाव लीवर के ऊपर ही है, पर हाई बीपी, ब्लड प्रेशर और ये हार्ट पेशेंट उसको नहीं कर सकते। कपालभाति सब कर सकते हैं। मैं कपालभाति करके बता रही हूँ, कपालभाति को धीमी गति से शुरू करके तेज लाएं और वापस जब लगे कि अब नहीं कर सकते हैं तो धीमा करके बंद कर दें। और इसका अभ्यास आपको 10 से 15 मिनट करना है। एक साथ तो आप नहीं कर सकेंगे, जितनी देर कर सकते हैं करें, रेस्ट कर लें आँख बंद किए किए, फिर दोबारा शुरू कर लें। यानी आप 10 से 15 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास और सुबह सुबह जैसे मैंने बताया खाली पेट, वो भी सब खाली पेट ही करना है कपालभाति भी, अग्निसार का अभ्यास और ये थोड़े से आसन, इसमें से जो आपसे बने वही आसन कर लें। सब नहीं बनता है तो मत करें, जो आपसे बनता है वो करें। उस इन आहार को अपने जीवन में लाएं जो मैंने बोला है, लहसुन, नींबू, आंवला, हल्दी, क्योंकि हल्दी लीवर को डिटॉक्स करती है, आंवला भी करता है, नींबू भी करता है और एलोवेरा जूस भी करता है, लहसुन भी करता है। तो इन चीज़ों को अपने आहार में शामिल करें, आप देखेंगे कि फैटी लीवर की समस्या से आप निजात पा रहे हैं। मेरा आज का वीडियो फैटी लीवर पर ही था, जो कि आज की एक आम समस्या है। तो अगर आप भी कोई आपका परिचित इस समस्या से पीड़ित है तो प्लीज़ मेरे लिए जो वीडियो है उसे शेयर करें, लाइक करें। पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।